मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, ठीक है। चैप्टर जो हमारे पास था दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ठीक है, हमें इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, न्यूमेरिकल भी सॉरी क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, अभी देखिएगा ध्यान से। देखिए पेज नंबर 224 पे, पेज नंबर 224 पे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन में मेंशन है व्हाई डज द मैग्नेटिक निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब बार मैग्नेट के पास हम मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों आता है, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या बताया मैंने पहला क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक निडल को लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आता है, व्हाई इट गेट डिफ्लेक्टेड। उसका आंसर है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है बार मैग्नेट के आसपास क्या होती है, बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक कंपास को यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक कंपास लेंगे तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्लियर हो गया सर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 228 पे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 228 पे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। हमें एक बार मैग्नेट गिवन है और हमें उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, कॉपी में आंसर में ड्रॉ करके बतानी है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक बार मैग्नेट हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी अराउंड अ बार मैग्नेट। करिए ड्रॉ कर लीजिए सब अपनी कॉपी में।
एक मिनट ठीक है, सबने ड्रॉ कर लिए, कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है आउटवर्ड, साउथ पोल से नॉर्थ पोल आती है इनवर्ड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटवर्ड एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनवर्ड। इट इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर पास पास होती है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन होता है, और जहां पर वो दूर दूर हो जाती है वो क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन होता है। राइट, क्या कहा मैंने, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन होता है, और जहां फील्ड लाइन दूर दूर होती है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन होता है। ये दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आप? यस क्लास। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया था बच्चों को? पेज नंबर 228 पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, सुन लो। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा, ये बताया गया कि जहां पर पास पास होती है, क्लोज होती है, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और जहां पर फील्ड लाइन दूर दूर होती है वो रिप्रेजेंट करता है वीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कृतिका राज, समझ में आ गया आपको? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में ये बताया गया बेटा कि
सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर्टी तो दो ही पूछी है, ठीक है। इसका मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, पेज नंबर 228 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये लिखा हुआ बेटा पेज नंबर 228 पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, व्हाई द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है तो ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अब देखिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखेंगे इसकी टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ होगी, इसकी जो टेंजेंट होगी वो इस तरफ ड्रॉ होगी। अब जो ये दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट क्या बता रहा है, ये दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को बता रहा है। किसकी दो डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। हमने क्या कहा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दो टेंजेंट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ इतनी मित्तल कुछ पूछना है आपको, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, because at the point of intersection there are two directions of magnetic field intensity, because at the point of there are two directions of magnetic field intensity which is not possible. ठीक है, इतना क्लियर, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज पे। देखिए पेज नंबर 229 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहां पर हमारे पास एक लूप रखा हुआ है,
चलिए देखें यहाँ पर, यस फारूम यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास बच्चों से कि सर पहला क्वेश्चन ये आया कि सर मैग्नेट में ऐसा क्या कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखिए बेटा अभी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली न्यूटन के एक्शन रिएक्शन पे काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा है कि सर कैन मैग्नेट आल्सो प्रोड्यूस करंट, यस बेटा मैग्नेट की वजह से भी हम करंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि जनरेटर में होता है। अगेन दिस इज आल्सो एलिमिनेटेबल फॉर दिस ईयर, इस ईयर में वो भी सिलेबस से हट गया है कि मैग्नेट से हम कैसे करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इस साल सीबीएसई ने क्या कर दिया, सिलेबस से हटा दिया, ठीक है। अब मैं पेज 229 पर आ गया हूँ और पेज 229 में हमें ये बता रखा है पहले क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में एक क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ये क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है यहां पर और यहां पर, ठीक है। इन तीन जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, जो थंब है वो करंट को बता रहा है, तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, यानी कि जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ जा रही है। तो अगर आप यहां पे मैग्नेटिक लेंगे तो वो आएगी इनवर्ड, ठीक है, इट इज इनवर्ड। और फिर यहां से अंदर जाएंगी फिंगर और वहां से क्या होगी, बाहर आएगी। इधर से फिंगर क्या होगी, बाहर आएगी, तो दैट इज आउटवर्ड। ठीक है, दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड। सिमिलरली अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां पे अगर हम रूल लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, मैंने राइट हैंड थंब रूल क्या बताया था आपको, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं सुन लीजिए, राइट हैंड थंब रूल क्या बताया, थंब है वो किसको बताता है, करंट को, जो फिंगर्स हैं वो किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो थंब करंट की डायरेक्शन में आ गया, फिंगर्स ऐसे जा रही है तो मैग्नेट हुई और यहां से बाहर आ रही है तो ये आउटवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सिमिलरली यहां पर भी वो अंदर जा रही है और इधर से वो बाहर आ रही है, तो इट इज इनवर्ड एंड इट इज आउटवर्ड। तो यहां पर भी डॉट आएगा और यहां पर भी हम क्या करेंगे, आउटवर्ड लिखेंगे, ठीक है। डॉट रिप्रेजेंट आउटवर्ड एंड क्रॉस रिप्रेजेंट इनवर्ड। तो 229 का पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे, समझ लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए बच्चे, एनी डाउट्स। कोई डाउट है किसी को तो बताइए,
हाँ जी बेटा डन, सबने कर लिया कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसी पेज पे, पेज 229 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज 229 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। वी हैव टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक बराबर, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हर जगह क्या हो, सेम हो, बराबर हो, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो मैं अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम यूनिफॉर्म लाइन बोलते हैं, पैरेलल। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, जहां फील्ड लाइन दूर दूर होती है वो मीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है। लेकिन यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। करिए कॉपी कर लिए सब। बेटा मैं बता रहा हूँ मेरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें लिखा हुआ है कि हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी, हर जगह सेम। तो हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी वैल्यू हर जगह सेम हो। तो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो पैरेलल लाइन्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आगे सीखे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि पूछा है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें ये पूछा हुआ है कि जो सोलेनोइड होती है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेट होती है वो कैसी होती है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो उसमें लिखा हुआ है जीरो होती है अंदर। फिर बी ऑप्शन दे रखा है कि अगर हम एंड्स में जाते हैं तो इंक्रीज होती है, एंड्स पे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, और डी पार्ट है कि हर जगह बराबर रहती है, सेम रहती है, ये पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन आएगा डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स एंड्स। अगर हम एंड्स पे जाते हैं, कोनों पे जाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कोने पे जाने पर वो घटती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गई बच्चे बात, यस। थर्ड वाले का आंसर जो आएगा दैट इज सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बस अभी इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास कराएंगे। ओके, थैंक यू।